हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस साइड प्रशांत चौधरी। एंड गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है और कोर्सेज एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता देना। सारे डाउट इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर होने वाले हैं, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एफिलिएट मार्केटिंग की क्या होती है मतलब। ठीक है, तो आपको बताता हूँ सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है मतलब कि जैसे कि आपने एक एग्जांपल के तरीके समझाता हूँ, एग्जांपल दिस, देखिए ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है मेरे दोस्त को, ठीक है, तो इसने क्या काम करा, अमेजोन से ये प्रोडक्ट देखा, इस प्रोडक्ट का प्राइस है 3,000 रुपये, ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैंने अमेजोन पर ये वाला प्रोडक्ट देखा है अमेजोन पर, ठीक है, मैंने कहा अच्छा, वो बोला यार 3,000 रुपये का है तो ले लूँ क्या। मैंने उसको कहा ठीक है भाई ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने क्या काम करा, मैं अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन था ऑलरेडी, ठीक है, तो मैंने उससे कहा ले मेरी वाली लिंक ले ले, मैंने अपनी लिंक उसको सेंड कर दी और उससे कहा कि भाई मेरी लिंक पर क्लिक करके ना इस प्रोडक्ट को बाय कर ले, ठीक है। वो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 3,000 रुपये का ही था, ठीक है, उस टाइम भी 3,000 का था और जब उसने मेरी लिंक पर क्लिक करके बाय करा तब भी 3,000 रुपये का था, तो मतलब उसको कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। बट जैसे 3,000 रुपये का प्रोडक्ट उसके घर पे आता है, देन मेरे अकाउंट के अंदर 100 से 150 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना पूरा, ये एफिलिएट मार्केटिंग था। और जो मेरे पास कमीशन आई ना, वो मुझे अमेजोन ने कमीशन प्रोवाइड करी कि वाओ हमारा प्रोडक्ट आपने बिकवाया है, ठीक है, आपने हमारा 3,000 रुपये का प्रोडक्ट बिकवाया है तो हम आपको 100 से 150 रुपये मुझे मिल गई कमीशन। ये हो गया एफिलिएट कमीशन होती है जो मुझे मिली। और ये पूरा प्रोसेस एफिलिएट मार्केटिंग होता है, मतलब किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट को अगर आप सेल करवा देते हो किसी बंदे को तो आपको थर्ड पार्टी कमीशन देती है, यही होती है एफिलिएट कमीशन, ठीक है। आपको समझ आ गई एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट कमीशन। अब आपके अंदर एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि बहुत सारी चल रही हैं कोर्सेज के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे चल रही हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग, तो कौन सी मार्केटिंग बेस्ट है, किस मार्केटिंग के अंदर आपको जाना चाहिए और किस मार्केटिंग के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोर्सेज के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और प्रोडक्ट्स के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। जैसे ये वाली जो एफिलिएट मार्केटिंग अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कौन सी एफिलिएट मार्केटिंग थी, ये थी मेरे भाई कोर्स प्रोडक्ट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग। ये क्या एक प्रोडक्ट ही तो है, ये कोर्स थोड़ी ना है, ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये 3,000 रुपये का प्रोडक्ट था और हमें मिले 100 से 150 रुपये, मतलब 2 से 3 से 5% कमीशन आपको मिल गई। और अगर इसकी जगह कोई 3,000 का कोर्स होता, 3,000 का कोई कोर्स होता, डिजिटली कोर्स होता, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप उस कोर्स को बिकवा देते तो आपको पता है कितनी कमीशन मिलती, आई थिंक आपको करीब 2,500 रुपये की कमीशन मिलती, इतनी ज़्यादा कमीशन मिलती आपको 2,500 रुपये, और कहाँ 150 रुपये। तो आप मुझे बताइए कौन सी अच्छा लगा आपको, आपको कोर्सेज वाली अच्छी लगी ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोर्सेज में इतनी ज़्यादा कमीशन क्यों मिलती है और प्रोडक्ट में इतनी कम कमीशन क्यों मिलती है, सारे बताने वाला हूँ। देखिए, जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसका जो बनाने का और उसको पैकेजिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, सब कॉस्ट काट पीट के तब जाके 150 रुपये कंपनी ने आपको दिए। बट जो डिजिटली कोर्सेज होते हैं ना, उनकी कोई इतना खर्चा नहीं आता है, कंपनी एक बार ही कोर्स बना देती है। उन कोर्सेज को करना क्या होता है, कंपनी ने एक बार कोर्स बना दिए, देन उसका चला दिया एफिलिएट प्रोग्राम, और आप कोई भी, जैसे कि मैंने एक एफिलिएट प्रोग्राम है मिलियनेयर ट्रैक, उसके अंदर मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, ठीक है, वहाँ से मैंने काफ़ी अच्छी अर्निंग करी है, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं, आपको समझ आएगा क्या चीज़ है वो, ठीक है। उसके अंदर भी कोर्सेज के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग होती है, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। जैसे उसके अंदर क्या है, मैं उसके अंदर है सिल्वर, इलाइट और गोल्ड, तीन कोर्सेज हैं उसके अंदर। मैं एग्जांपल लेता हूँ सिल्वर कोर्स, सिल्वर कोर्स उसका 2,360 रुपये का कोर्स है, मैंने वो 2,360 रुपये वाला कोर्स मैंने ले रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई भी बंदा मुझसे वो कोर्स लेता है ना 2,360 वाला, किसी को मैं कोर्स बताता हूँ वो मुझसे कोर्स ले लेता है, तो मुझे कितनी कमीशन मिलती है, पूरे 1,700 रुपये की कमीशन मुझे मिलती है, ठीक है गाइस। 1,700 रुपये की कमीशन, 2,300 रुपये का कोर्स है, 2,360 का कोर्स, 1,700 की कमीशन। ये क्यों, क्योंकि वो कोर्स कंपनी ने एक बार बना दिया है, अब जितने चाहो उतने बार आप सेल कर सकते हो उसको, अनलिमिटेड टाइम सेल कर सकते हो और आपको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कंपनी का कोई खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, बनाने में कोई खर्चा नहीं हो रहा ना, आपको स्लीपिंग चार्ज कुछ नहीं, क्योंकि डिजिटली कोर्स आपके फ़ोन पे आता है डायरेक्ट, तो इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर कम कमीशन मिलती है और कोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा कमीशन मिलती है।
तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन क्यों मिलती है और कोर्सेज के ऊपर ज़्यादा कमीशन क्यों मिलती है और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अगर ये वीडियो में आपको इतना सारी चीज़ समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो देखने के लिए। और जानना चाहते हो कैसे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है सारी चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी